आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में बताने वाले हैं, उसकी डिफिनेशन बताने वाले हैं कि हमारे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर आउटडोर गेम्स, हमें उन्हें वीडियो गेम खेलने देने चाहिए नहीं खेलने देने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ये न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। आजकल तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो माता पिता बच्चों को वक्त दे पाते हैं और न बच्चे ही बाहर जाकर खेल पाते हैं। ये हम पहले बात कर लेते हैं इंडोर गेम्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, डिफिनेशन। तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहला तो ये है कि मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इंडोर गेम्स का मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा है कम जगह की ज़रूरत होती है, चोट लगने की कम संभावना होती है, कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं बच्चे इसे, व्यापार के लिए भी अभी उत्तम खेल होता है, कम मेहनत की आवश्यकता होती है इस इंडोर गेम्स में। चलिए अब देख लीजिए आउटडोर गेम्स की विशेषताएँ। अधिक जगह की आवश्यकता होती है, हेल्थ फिटनेस के लिए उपयुक्त है, हेल्थ फिटनेस के लिए सबसे अच्छा होता है। मौसम से प्रभावित होता है क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है, तो बारिश है धूप है तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आउटडोर गेम्स में चोट लगने की भी ज़्यादा संभावना होती है, कैरियर के रूप में भी आप इसे चुन सकते हो, व्यापार के लिए भी अच्छा होता है, अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है इसमें। आउटडोर गेम्स में बच्चों के समाजीकरण के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंडोर गेम्स में क्या होता है कि बच्चे घर में ही कैद होकर रह जाते हैं, वह बाहर नहीं निकल पाते, समाज को नहीं जान पाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम देख लेते हैं कि इंडोर खेलों का हमारे बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो गेम कंप्यूटर और मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल बच्चों को पसंद आते हैं, लेकिन ये गेम्स हमारे बच्चों को घर में कैद करके ही रख देते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक शोध के अनुसार बच्चे एक हफ्ते में 17 घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं। यह आंकड़ा आउटडोर के मुकाबले 2 गुना था। बच्चे एक हफ्ते में सिर्फ 8 घंटे 8 मिनट ही घर से बाहर खेल पाते हैं। आउटडोर गेम इसलिए विकल्प में लाया गया है ताकि शारीरिक विकास बच्चों का अच्छे तरह से हो सके। इसके अलावा खेलने से बच्चों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भी विकास होता है। तो अगर बचपन से ही बच्चे को खेलने और पढ़ने की दोनों की आदत लग गई तो उसे शैक्षणिक तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी और न ही उसके विकास पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आजकल तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलकर और लैपटॉप कंप्यूटर पीसी सब में समय बिताते हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए बच्चों की आंखें भी जल्दी ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको यह बताते हैं कि इंडोर गेम्स या फिर आउटडोर गेम्स दोनों ही हमारे बच्चों के लिए हमारे जीवन में उपयोगी हैं, अपने अपने जगह पे दोनों सही हैं। इंडोर गेम्स भी आप ज़्यादा मत खेलिए और ना ही आप आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलिए। तो सब चीज़ की एक लिमिट होती है, अपने अपने समय के अनुसार बच्चों को टाइम टेबल बनाइए कि कितने बजे उसको पढ़ना है, इतने बजे उसको खेलना है। तो टाइम से अगर आप काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है बच्चों से रिलेटेड। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके उस वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।